guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Murder of Roger Ackroyd, which is written by Agatha Christie. So guys, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड और इसकी राइटर हैं अगाथा क्रिस्टी. सो हम देख लेते हैं कि हम इस नॉवल के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट अगाथा क्रिस्टी, देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट ऑल द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, समरी एंड एनालिसिस. Then we'll discuss about the themes and the symbols. So guys, ये सारे topics हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं. So आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं. और guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों की इस वीडियो से अगर हेल्प हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. So guys, here is the introduction to the playwright. Playwright is Agatha Christie, as I told you. And Agatha Christie is known as the Queen of Crimes. इनको Queen of Crimes के नाम से जाना जाता है. देखो, इस नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है? Because इनकी जो ज़्यादातर novel है वो detective novel है, detective fictions है. Crime उनमें दिखाए गए हैं. So that's why Agatha Christie को Queen of Crime भी कहा जाता है. And she is one of the most successful crime novelist and playwright of 20th century. सो जो अगाथा क्रिस्टी है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्राइम नॉवलिस्ट. वो एक बहुत सक्सेसफुल क्राइम नॉवलिस्ट हैं, प्लेराइट हैं 20th सेंचुरी की. एंड शी बोर्न ऑन 15th सितंबर 1890 को उनका जन्म हुआ था. एंड गाइस, जो अगाथा क्रिस्टी थी ना, ये बहुत शाई रहती थी. मतलब लोगों से ज़्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं होता था, बहुत शर्मीले टाइप की थी. एंड हर शाइनेस लेड हर टू लिटरेरी वर्ल्ड. और जो इनका ये शर्माना था, जो इनकी शाइनेस थी, यही इन्हें इस लिटरेरी वर्ल्ड में लेकर आई. बिकॉज इनके जो थाट्स थे, ये उन्हें किस में लिख देती थी? पेपर्स पर लिख दिया. और इस तरीके से ये एक प्लेराइट, एक नॉवलिस्ट बनी. सो हर शाइनेस लेड हर टू लिटरेरी वर्ल्ड एंड शी कंज्योर्ड अप डिटेक्टिव फिक्शंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पायरेट इन 33 ऑफ हर नॉवल्स एंड मिस मार्पल. देखो गाइस, जो अगाथा क्रिस्टी हैं, उन्होंने हरक्यूल पायरेट का अपनी 33 नॉवल्स में जिक्र किया है. हरक्यूल पायरेट कौन है? हरक्यूल पायरेट एक वर्ल्ड के फेमस डिटेक्टिव हैं. मतलब जो इनकी क्राइम नॉवल्स है अगाथा क्रिस्टी की, उनमें इन्होंने 33 ऐसी नॉवल्स है जिसमें डिटेक्टिव का रोल किसे दिया है? हरक्यूल पायरेट को दिया. और साथ ही साथ मिस मार्पल को भी इन्होंने अपनी नॉवल्स में इंक्लूड किया है. शी रोट 82 नॉवल्स, ऑटोबायोग्राफी and a series of 6 romance novels, 19 plays including The Mousetrap, the world's longest running theatrical play in London. So guys, देखो अगाथा क्रिस्टी ने क्या क्या लिखी हैं. 82 डिटेक्टिव नॉवल्स लिखे, ये बहुत बड़ी बात है. और 82 डिटेक्टिव नॉवल्स में से इन्होंने 33 ऐसी नॉवल्स हैं जिनमें हरक्यूल पायरेट का जिक्र किया है. इसके अलावा इन्होंने लिखी है अ सीरीज ऑफ 6 रोमांस नॉवल्स, ये नॉवल्स लिखे. इसके अलावा 19 प्लेज लिखे हैं. और 19 प्लेज में से जो इनका माउस ट्रैप एक प्ले है, That play is world's longest running theatrical play in London. Over more than 30 of her murder mystery novels have been made into motion pictures. And she died on 19th January 1976 at the age of 85 because of natural causes. So guys, इनकी death हो जाती है at the age of 85. जब ये 85 की थी तब इनकी death हो जाती है, just because of natural causes. Date ये है 19th January 1976. And her autobiography was published posthumously in 1977. What is posthumously? जब death के बाद autobiography लिखी जाती है, that is posthumously. So इनकी death के बाद इनकी autobiography लिखी गई 1977 में. And guys, her writing and its style is different from any other author. जो अगाथा क्रिस्टी हैं, इनका writing style जो है वो सभी authors से बहुत different रहा है. देखो गाइज, इनकी 30 से ज़्यादा ऐसी मर्डर मिस्ट्री नॉवल्स हैं जिनके ऊपर अब मूवीज़ बन चुकी हैं. मतलब इनकी जो नॉवल्स हैं, जिन नॉवल्स में मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है या डिटेक्टिव नॉवल्स जो रही हैं, उनके ऊपर अब पिक्चर्स बनने भी स्टार्ट हो गई हैं. एंड मोर देन 30 मूवीज आर देयर जिनमें की अगाथा क्रिस्टी की मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई. शी वॉज वेल नोन फॉर नॉट स्पीकिंग मच इन पब्लिक बट एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियंस ऑन राइटिंग. एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि जो अगाथा क्रिस्टी थी, वो पब्लिकली बहुत कम बोलती थी, शर्मीले टाइप की थी. और इसीलिए जो उनके थॉट्स थे, वो उन्होंने किस पे एक्सप्रेस करने स्टार्ट किए? पेपर्स पर. अपनी राइटिंग के थ्रू अपने थॉट्स को कन्वे करने लग गई. सो गाइज, ये तो था इंट्रोडक्शन टू द प्लेराइट अगाथा क्रिस्टी. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. जो ये नॉवल है अ मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे. सो इट इज अ डिटेक्टिव फिक्शन. ये जो नॉवल है एक डिटेक्टिव फिक्शन है. एंड इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूके बाय विलियम कॉलिंस इन जून 1926 एंड यूएस बाय डॉड ऑन 19th ऑफ द सेम मंथ. सो गाइस, ये जो नॉवल है मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, ये सबसे पहले कहां पर पब्लिश हुई? यूके में पब्लिश हुई. विलियम कॉलिंस ने इसको पब्लिश करा जून 1926 में. और यूएस में उसके बाद ही पब्लिश हुई, वहां पर इसको पब्लिश किया डॉड ने. और 19th
जून 1926 को यहाँ पर पब्लिश हुई. सो सबसे पहले यूके में पब्लिश हुई, आफ्टर दैट इट पब्लिश इन यूएसए. सो गाइज इट इज़ अगाथा क्रिस्टी, वन ऑफ द बेस्ट नॉन एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल. सो गाइज ये जो नॉवल है अ मर्डर ऑफ रॉजर एकरॉयड, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग नॉवल ऑल्सो. सो जो ये नॉवल है ये अगाथा क्रिस्टी की बेस्ट नॉन नॉवल रही है और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल भी रही है. एंड इट इज़ सेट इन द फिक्शनल विलेज ऑफ किंग्स एबॉट इन इंग्लैंड. फिक्शनल विलेज क्या होता है? जो आप खुद क्रिएट करते हो. सो ये जो नॉवल है ये कहाँ पर सेट होती है? एक फिक्शनल विलेज में सेट होती है, इंग्लैंड के विलेज ऑफ किंग्स एबॉट. किंग एबॉट का ये विलेज है इंग्लैंड में, वहाँ पर इस नॉवल की सेटिंग है. सो इट इज़ नरेटेड बाय जेम्स शेपर्ड हु बिकम्स पायरेट असिस्टेंट. सो गाइज देखो ये जेम्स शेपर्ड जो है इसका इस नॉवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जब आप लोग समरी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई ये नरेटर जो था ये इसमें कुछ गड़बड़ है. सो ये जो नरेटर है इसने इसको नरेट किया, इसके नरेटर हैं जेम्स शेपर्ड, डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, और वही पायरेट के असिस्टेंट बनते हैं जब वो इस पूरे डिटेक्ट कर और वही पायरेट के असिस्टेंट बनते हैं जब वो इस मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दिस स्टोरी बिगिंस विद द डेथ ऑफ मिसेस फरार्स, अ वेल्दी विडो हु इज रूमर टू हैव मर्डर हर हस्बैंड. सो वैसे देखो ये स्टोरी स्टार्ट किस तरीके से होती है. ये स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस फरार्स की डेथ के साथ. जो ये मिसेस फरार्स है ये एक वेल्दी विडो थी और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था. ऐसे र्यूमर्स थे कि इन्होंने ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया था. अफवाह फैला रखी थी कि हाँ मिसेस फरार्स ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था और अब हो गई है मिसेस फरार्स की डेथ. सो मिसेस फरार्स की डेथ के साथ ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है, उसी से इसकी स्टार्टिंग होती है. एंड गाइज हर डेथ इज इनिशियली बिलीव्ड टू बी एन एक्सीडेंट अंटिल रॉजर एकरॉयड रिवील्स. सो गाइज देखो जो ये इनकी डेथ थी, मिसेस फरार्स जो ये मर गई थी, इनकी डेथ को एक नॉर्मल नेचुरल डेथ माना जा रहा था कि हाँ एक एक्सीडेंटल डेथ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. बट ये मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट किस तरीके से होती है? जब रॉजर एकरॉयड रिवील करना स्टार्ट करता है. रॉजर एकरॉयड कौन है? एक विडोवर है, इसकी भी वाइफ नहीं है, एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू मैरी मिसेस फरार्स. तो मिसेस फरार्स और ये रॉजर एकरॉयड ये दोनों शादी करने वाले होते हैं. सो ये रॉजर एकरॉयड रिवील करता है सारी चीज़ें कि मिसेस फरार्स को मारा गया है. एंड शॉर्टली आफ्टर दिस ही इज़ फाउंड मर्डर. एक्चुअली यहाँ पर ही आना था, शॉर्टली आफ्टर दिस ही इज़ फाउंड मर्डर. सो गाइस देखो जब रॉजर एकरॉयड ये रिवील करता है कि मिसेस फरार्स को मारा गया है, उसका कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, उसका मर्डर हुआ है, तो उसके थोड़े ही टाइम बाद जो ये होता है रॉजर एकरॉयड इसका भी मर्डर हो जाता है. सो इसके मर्डर के साथ ये डिटेक्टिव वाली जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है. हरक्यूल पायरेट आता है, वो डिटेक्ट करता है सारी चीजें. सो गाइज टू रिजॉल्व दिस मर्डर मिस्ट्री क्रिस्टी हैज यूज्ड टू मोड्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. सो गाइज देखो इस मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए जो अगाथा क्रिस्टी हैं उन्होंने दो तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर की. वन इज पायरेट्स यूज ऑफ रेशियोसिनेशन. जो पायरेट हैं वो ऑलरेडी एक डिटेक्टिव हैं, उन्हें पता है किस तरीके से मर्डर मिस्ट्रीज रिजॉल्व की जाती हैं. तो पहला यूज तो उन्होंने जो पायरेट की रेशियोसिनेशन थी उसका किया. एंड अदर इज अ गॉसिपिंग प्रैक्टिस बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ किंग्स एबॉट. और दूसरा यूज इन्होंने क्या किया, जो ये विलेज है किंग्स एबॉट, इसके जो इनहैबिटेंट्स थे मतलब यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो गॉसिप तो करेंगे, आज भी हमारे जो पड़ोसी होते लोग होते वो गॉसिप करते हैं. सो सिमिलरली जो किंग एबॉट विलेज था इसके जो इनहैबिटेंट्स थे वो गॉसिप कर रहे थे, उन गॉसिप से भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की. सो इन दो तरीकों से इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की. एंड गाइज इट वॉज अडेप्टेड एज अ 103-minute ड्रामा ट्रांसमिटेड इन यूके इन 2000. सो 2000 में यहाँ पर यूके में एक ड्रामा बनाया गया, इसको पूरे मूवी में क्रिएट किया गया. 103-minute के एक मूवी ड्रामा क्रिएट किया. एंड इट इज सुप्रीम अल्टीमेट डिटेक्टिव नॉवल. सो गाइज जो ये मर्डर ऑफ रॉजर एकरॉयड है इट इज सुप्रीम एंड अल्टीमेट डिटेक्टिव नॉवल इसे माना जाता है. सो ये था इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल. सो गाइज हियर इज द लिस्ट ऑफ मेन कैरेक्टर्स. सो सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स कौन है? हरक्यूल पायरेट. हरक्यूल पायरेट कौन है? ही इज अ फेमस बेल्जियन डिटेक्टिव रिटायर्ड टू किंग्स एबॉट टू ग्रो वेजिटेबल मैरोज. देखो हरक्यूल पायरेट जो है ये एक फेमस बेल्जियन डिटेक्टिव है. अब ये रिटायर हो गए हैं अपनी जॉब से और ये आ जाते हैं किंग्स एबॉट विलेज में और यहाँ पर आकर ये क्या काम करते हैं? वेजिटेबल मैरोज में काम करते हैं, सब्जियां वगैरह उगाने का काम करते हैं. सो गाइज नेक्स्ट कैरेक्टर इज रॉजर एकरॉयड. रॉजर एकरॉयड कौन है? ही इज अ कंट्री जेंटलमैन डिस्ट्रेस्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज पैरामर. सो गाइज देखो रॉजर एकरॉयड एक कंट्री जेंटलमैन है, ये बहुत रिच है, वेल्दी है और ये डिस्ट्रेस्ड मतलब एक तरीके से स्ट्रेस में चले जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस फरार्स. देन मिसेस सीसिल एकरॉयड. सीसिल एकरॉयड कौन है? मिस्टर एकरॉयड्स विडोड सिस्टर इन लॉ. सो मिसेस सीसिल एकरॉयड मिस्टर एकरॉयड के जो भाई हैं उनकी विडो वाइफ है. मतलब रॉजर एकरॉयड के भाई की तो डेथ हो गई है और रॉजर एकरॉयड की भाई की वाइफ है मिसेस सीसिल एकरॉयड. देन आती है फ्लोरा एकरॉयड. फ्लोरा एकरॉयड कौन है गाइस? फ्लोरा एकरॉयड इज मिस्टर एकरॉयड्स नीज एंड मिसेस सिसिल्स डॉटर. सो रॉजर एकरॉयड के भाई की बेटी है फ्लोरा एकरॉयड और इस मिसेस सिसिल की बेटी.
देन आता है राल्फ पैटन. राल्फ पैटन कौन है गाइस? राल्फ पैटन इज मिस्टर एक्रॉयड्स स्टेपसन, रेफर्ड एज इज अडॉप्टेड सन. देखो राल्फ पैटन को माना जाता है कि वो रॉजर एक्रॉयड का स्टेप बेटा है, स्टेपसन है, मतलब सौतेला बेटा है, उसे अडॉप्ट किया गया था. देन आती है उर्सुला बॉर्नी. उर्सुला बॉर्नी कौन है? मिस्टर एक्रॉयड्स पार्लर मेड हु क्विट रिसेंटली. सो उर्सुला बॉर्नी जो है रॉजर एक्रॉयड के पैलेस में काम करती है और रॉजर एक्रॉयड के मर्डर से थोड़े ही पहले ही अपनी जॉब क्विट कर देती है. सो इस पर भी कई बार शक जाता है कि कहीं रॉजर एक्रॉयड को इसी ने तो नहीं मारा है. देन आते हैं मेजर हेक्टर ब्लंट. मेजर हेक्टर ब्लंट इज रॉजर एक्रॉयड्स फ्रेंड एंड हाउस गेस्ट. ठीक है. देन जॉफरी रेमंड. जॉफरी रेमंड इज मिस्टर एक्रॉयड्स सेक्रेटरी. उसके बाद आता है जॉन पार्कर. जॉन पार्कर जो है ये मिस्टर एक्रॉयड का बटलर है, मतलब उसके यहाँ पर ये पोस्ट थी एक्रॉयड के पैलेस में. देन एलिजाबेथ रसल. एलिजाबेथ रसल इज मिस्टर एक्रॉयड्स हाउस कीपर. आफ्टर दैट करेक्टर इज चार्ल्स केंट. चार्ल्स केंट इज मिस रसल्स सन एंड ड्रग अडिक्ट. सो जो ये चार्ल्स केंट होता है मिस रसल का बेटा होता है, ये बहुत ही ड्रग लेता है, बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाता है. देन डॉक्टर जेम्स शेपर्ड. डॉक्टर जेम्स शेपर्ड इज नरेटर, हमें पता, और ये साथ साथ डॉक्टर भी होते हैं. आफ्टर दैट कैरोलिन शेपर्ड. कैरोलिन शेपर्ड जो है वो डॉक्टर शेपर्ड की बहन होती है, डॉक्टर जेम्स शेपर्ड की बहन होती है. देन मिसेस फरार्स. मिसेस फरार्स इज अ लेडी इन द विलेज हु कमिट सुसाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल. सो गाइस देखो मैंने आपको बताया था, मतलब एक तरीके से ये मर्डर है कि वो सुसाइड करती है, वो सुसाइड किसी के दबाव में आकर करती है मिसेस फरार्स. सो ये स्टोरी इसके सुसाइड के साथ ही स्टार्ट होती है. और मिसेस फरार्स यहाँ की एक लेडी होती है जो बहुत वेल्दी होती है. देन आती है एशले फरार्स. एशले फरार्स इज लेट हस्बैंड ऑफ मिसेस फरार्स, इसके हस्बैंड होते हैं. एंड इट इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग पॉइजन्ड बाय हिज वाइफ. ऐसा माना जाता है कि एशले फरार्स को इन्हीं की वाइफ मिसेस फरार्स ने जहर पिला दिया था, उनका मर्डर कर दिया था. आफ्टर दैट मिस्टर हैमंड. मिस्टर हैमंड इज रॉजर एक्रॉयड्स लॉयर. देन दो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर रागन और इंस्पेक्टर डेविस. इसके अलावा कुछ छोटे मोटे माइनर कैरेक्टर्स होंगे, अदरवाइज आई ट्राइड कि मैंने यहाँ पर सारे ही मतलब कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो गाइस नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका सब वेट करते हैं, एक्सप्लेनेशन और यू कैन से समरी एंड एनालिसिस. सो गाइस देखो दिस बुक फीचर्स द फेमस बेल्जियन डिटेक्टिव हरक्यूल पायरेट. इस बुक में हम किससे मिलते हैं? फेमस बेल्जियन डिटेक्टिव से मिलते हैं, हरक्यूल पायरेट से. इन द नॉवल एट दिस स्टेज ही रिटायर्ड टू द कंट्री साइड फ्रॉम लंडन एंड ग्रोइंग वेजिटेबल मैरोज. सो जिस टाइम पर हम नॉवल में हरक्यूल पायरेट से मिल रहे हैं ये रिटायर हो गए हैं. ठीक है, ये पहले मतलब डिटेक्टिव का काम करते थे और अब ये रिटायर हो गए हैं. लंदन से ये आ गए हैं किंग्स एबॉट विलेज में और यहाँ पर आकर ये क्या काम करते हैं? सब्जियां उगाने का काम करते हैं. एंड गाइस ही फाइंड्स दिस लाइफस्टाइल फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिस्ट्रक्टेड बाय अ सुसाइड इन द विलेज. सो देखो हरक्यूल पायरेट का काम क्या था? डिटेक्ट करना, मर्डर मिस्ट्रीज रिजॉल्व करना, और यहाँ पर आकर वो सब्जियां उगा रहा है. सो इस लाइफस्टाइल से जो ये हरक्यूल पायरेट है ना, ये पूरे तरीके से बोर हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट और कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हाल ही में यहाँ पर हो जाता है सुसाइड. सो उस सुसाइड से जो ये हरक्यूल पायरेट है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, इसके माइंड को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि अच्छा आप कुछ ऐसा हुआ जिससे इसको कुछ डिटेक्ट करने का मौका मिलेगा. सो इस तरीके से ये स्टोरी डेवलप होती है कि मतलब यहाँ पर आ गया हरक्यूल पायरेट. हरक्यूल पायरेट कौन है? डिटेक्टिव है. और हाल ही में विलेज में जो ये लेडी है मिसेस फरार्स, इसने कर लिया है सुसाइड. तो इस तरीके से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो गई. सो गाइज दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय डॉक्टर ऑफ द विलेज, डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू पायरेट. सो गाइज ये जो स्टोरी है इसको नरेट करके कौन सुनाता है? डॉक्टर सुनाता है. डॉक्टर कौन है? जेम्स शेपर्ड है और वही इसका नरेटर भी है जो कि पायरेट के घर के जस्ट बगल में ही रहता है. सो दिस स्टोरी बिगिंस विद द मर्डर ऑफ अ लोकल लेडी मिसेस फरार्स. मिसेस फरार्स के मर्डर के साथ मतलब सुसाइड के साथ स्टार्ट होती है. मर्डर इसे क्यों कहा गया है? बिकॉज जो मिसेस फरार्स है वो किसी के दबाव में आकर सुसाइड करती है. सो इट इज अ काइंड ऑफ मर्डर. Suspected of having murdered her husband a year before, but this was never proved. और ऐसा माना जाता था कि जो ये लेडी थी मिसेस फरार्स, इसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था उसे जहर पिलाकर, बट ये चीज़ कभी भी प्रूव नहीं हो पाई. इस तरीके के रूमर्स फैले थे. Planning to be married to a wealthy businessman, Mr. Roger Ackroyd. So, Roger Ackroyd और इस मिसेस फरार्स ने प्लानिंग बना ली कि ठीक है, मतलब दोनों ही विडो हो चुके हैं, तो ये दोनों प्लान करते हैं कि अब ये दोनों शादी करेंगे. एंड गाइज ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस विद हिज सिस्टर इन लॉ, नीस एंड लॉट्स ऑफ सर्वेंट. तो जो ये रोजर एक्रॉयड है ये बहुत बड़े घर में रहता है. भाई वेल्दी बिजनेसमैन है, सो बहुत बड़ा सा उसका घर है. उसके घर में रहती है उसकी सिस्टर इन लॉ, मतलब जो उसके भाई की वाइफ है वो. देन उसकी नीस रहती है और बहुत सारे सर्वेंट्स रहते हैं. सो हमें ये पता लग रहा है कि अभी बैकग्राउंड पता लग रहा है कि हाँ प्लॉट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं. एंड ही इज अ स्टेपसन राल्फ पैटन. सो जो रॉजर एक्रॉयड है इसका सौतेला बेटा होता है राल्फ पैटन, हु विजिट्स फ्रीक्वेंटली एंड हैज अ गुड रिलेशनशिप विद हिम. सो जो ये राल्फ पैटन है इसका अपने फादर के साथ, बेशक से उसका बेटा राल्फ पैटन सौतेला बेटा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है. एंड रॉजर एक्रॉयड अनाउंस द एंगेजमेंट ऑफ राल्फ एंड हिज नीस फ्लोरा. सो जो रॉजर एक्रॉयड है
वो राल्फ पैटन और जो इसकी नीस थी फ्लोरा एक्रॉयड, इन दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं एंड एवरीवन एंजॉयज अ मील विद द फैमिली एंड सेलिब्रेट। सो गाइज देखो, राल्फ पैटन जो है रॉजर एक्रॉयड का सौतेला बेटा है और जो फ्लोरा एक्रॉयड है वो रॉजर एक्रॉयड के भाई की बेटी है। सो इन दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर देता है रॉजर एक्रॉयड और ये सब मील मतलब खाना वाना खाते हैं अच्छे से फैमिली के साथ और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं एंड लॉन्ग चैट विद हिज ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर शेपर्ड। सो गाइज देखो, जो ये एंगेजमेंट पार्टी थी इसमें डॉक्टर शेपर्ड भी आता है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस नॉवल ऑल्सो। सो डॉक्टर शेपर्ड और रॉजर एक्रॉयड बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, ओल्ड फ्रेंड होते हैं और ये दोनों इस ओकेजन पर एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा ही बातचीत करते हैं। सो गाइज ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन रॉजर एक्रॉयड एक्सप्लेन्स दैट समवन हैड बीन ब्लैकमेलिंग मिसेस फरार्स एंड शी रोट अ लेटर बिफोर द डेथ टू शेयर द नेम ऑफ द ब्लैकमेलर। सो गाइज देखो, डॉक्टर शेपर्ड से बात करते करते जो रॉजर एक्रॉयड है वो डॉक्टर शेपर्ड को क्या बताता है कि जो उसकी फियांसे थी मतलब जिससे वो शादी करने वाला था मिसेस फरार से, मिसेस फरार्स को कोई ब्लैकमेल कर रहा था और ये चीज मिसेस फरार्स ने रॉजर एक्रॉयड को एक लेटर के थ्रू बताई। एक लेटर के थ्रू मिसेस फरार्स इस बारे में इन्फॉर्म करती है रॉजर एक्रॉयड को और यहाँ पर उसी बारे में डॉक्टर शेपर्ड को बताता है रॉजर एक्रॉयड की मिसेस फरार्स को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। डॉक्टर शेपर्ड को दिखाता है कि ये वो लेटर है जिसमें उस ब्लैकमेलर का नाम भी लिखा है। सो गाइस देखो, जो रॉजर एक्रॉयड है ना वो इस लेटर को कंप्लीट खोलकर ओपन करके पढ़ता नहीं है, ठीक है, वो उस लेटर को पढ़ता नहीं है, उसे बस ये पता है कि ये लेटर मिसेस फरार्स ने दिया और इस लेटर में ब्लैकमेलर का नाम भी लिखा हुआ है। वो उस लेटर में पढ़ता नहीं है कि आखिर ब्लैकमेलर कौन है और वो ये सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करता है डॉक्टर शेपर्ड को कि ये लेटर है इसमें मिसेस फरार्स ने मेरे साथ शेयर किया है ब्लैकमेलर का नाम, मतलब अपनी डेथ से पहले मिसेस फरार्स ने एक लेटर लिखा था रॉजर एक्रॉयड के लिए जिसमें उसने ब्लैकमेलर का नाम रिवील कर रखा है बट अब तक रॉजर ने वो लेटर नहीं पढ़ा है। सो गाइस डॉक्टर शेपर्ड जो है ही रिटर्न्स होम आफ्टर डिनर। डॉक्टर शेपर्ड डिनर के बाद अपने घर चला जाता है, मतलब कॉन्वर्सेशन होती है एक्रॉयड की और शेपर्ड, इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन होती है, खाना पीना होता है, उसके बाद डॉक्टर शेपर्ड अपने घर चला जाता है एंड ही रिसीव्स अ फोन कॉल फ्रॉम एक्रॉयड्स बटलर टू से दैट एक्रॉयड हैज बीन फाउंड मर्डर। सो गाइस ये डॉक्टर शेपर्ड जस्ट अपने घर पहुंचता ही है, उसके घर पहुंचते ही उसे एक फोन आता है और ये फोन किसका था, रॉजर एक्रॉयड के बटलर का था और वो क्या कहता है डॉक्टर शेपर्ड को कि जो रॉजर एक्रॉयड है ही हैज बीन फाउंड मर्डर्ड, मतलब रॉजर एक्रॉयड का किसी ने मर्डर कर दिया है। सो ये सुनते ही जो डॉक्टर शेपर्ड है वो जाता है वहां पर कि ऐसा कैसे हो गया। सो गाइज इनिशियली नो वन हैज रियलाइज्ड दैट द मास्टर इज डेड व्हेन शेपर्ड ब्रेक्स इनटू द स्टडी ही फाउंड किल्ड। सो इनिशियली तो कोई ये देखता नहीं है, रियलाइज ही नहीं करता है कि जो ये रॉजर एक्रॉयड है मर गया है। डॉक्टर शेपर्ड वहां पर जाता है, हर चीज एनालाइज करता है और बताता है कि जो ये रॉजर एक्रॉयड है ये तो मर चुका है, ही इज डेड नाउ। एंड गाइस की सस्पेक्ट इज राल्फ पैटन, शक किस पे जाता है, राल्फ पैटन उसके सौतेले बेटे पर, हु इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड डिसअपीयर्स जस्ट आफ्टर द मर्डर। सो गाइज देखो, राल्फ पैटन पर शक क्यों जाता है, क्योंकि राल्फ पैटन जो है वो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज में चल रहा है, मतलब पैसों की तंगी उसके पास चल रही है और मर्डर के जस्ट बाद ही वो यहाँ से गायब हो जाता है, इसी कारण जो शक है वो राल्फ पैटन पर जाता है। एंड फ्लोरा टर्न्स टू पायरेट टू आस्क फॉर हेल्प। सो जो फ्लोरा एक्रॉयड है ये जाती है हरक्यूल पायरेट के पास कि भाई मेरी मदद करो, मतलब रॉजर एक्रॉयड का किसी ने मर्डर कर दिया, तुम इस मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। एंड गाइस पुलिस बिलीव दैट राल्फ पैटन कमिटेड द मर्डर बिफोर फ्लीइंग। सो गाइस देखो, यहाँ की जो पुलिस है उसे ये लगता है कि राल्फ पैटन ने ही ये मर्डर किया है यहाँ से भागने से पहले, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग असम्पशन, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें लास्ट में पता लगेगा कि मर्डरर कौन है, वो हमारी आंखों के सामने ही अभी घूम रहा है। अगर आप लोगों को अभी से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब किस टाइम पर आप लोगों ने ये डिटेक्ट कर लिया कि आखिर मर्डरर कौन है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस देयर आर नंबर ऑफ अदर लीड्स दैट पायरेट वांट्स टू फॉलो अप। सो गाइज देखो, जो हरक्यूल पायरेट है वो फ्लोरा एक्रॉयड की रिक्वेस्ट पर आ जाते हैं इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और उन्हें काफी सारी चीजें जाननी है सो दैट ही कैन एग्जामाइन दिस केस, जैसे कि थेफ्ट ऑफ 40 pounds फ्रॉम एक्रॉयड्स बेडरूम। एक्रॉयड के बेडरूम से 40 pounds गायब है, चोरी हो चुकी है 40 pounds की। देन अपियरेंस ऑफ मिस्टीरियस मैन सीन बाय डॉक्टर शेपर्ड एट द गेट अराउंड द टाइम ऑफ द मर्डर। सो गाइस देखो, दूसरी चीज क्या है जिसके बारे में पायरेट जानना चाहता है। सो दूसरी चीज है, जो ये डॉक्टर शेपर्ड होता है जब ये अपने घर जा रहा होता है एंगेजमेंट पार्टी के बाद, तो ये रॉजर एक्रॉयड के घर के बाहर किसी मिस्टीरियस मैन को देखता है, उसकी अपीयरेंस बहुत अजीब सी होती है। सो ये डॉक्टर शेपर्ड इस मिस्टीरियस मैन के बारे में भी पायरेट को बताता है, तो जो हरक्यूल पायरेट है इस आदमी के बारे में भी जानना चाहता है कि आखिर ये आदमी था कौन जो एक्रॉयड के घर के बाहर था मर्डर होने के टाइम के आसपास। एंड साथ ही साथ डिसमिसल ऑफ पार्लर मेड, जो ये पार्लर मेड थी
रॉजर एक्रॉयड की उर्सीना बॉर्नी, ये भी चली जाती है मर्डर होने से थोड़े दिन पहले ही काम छोड़कर, तो साथ ही साथ इस पर भी शक जाता है गुड वर्कर, बट नो वन कुड अंडरस्टैंड वाई शी वुड बी आस्क्ड टू लीव, क्योंकि जो उर्सीना बॉर्नी है वो बहुत अच्छी वर्कर थी, काफ़ी टाइम से रॉजर एक्रॉयड के यहाँ पर काम कर रही थी, उसके बावजूद जो रॉजर एक्रॉयड है उन्होंने क्यों बोला होगा उर्सीना बॉर्नी को कि तुम काम छोड़कर चले जाओ, कुछ तो रीज़न रहा होगा। सो गाइज ये पांच छह चीज़ें हैं जिनके बारे में हरक्यूल पायरेट जानना चाहते हैं, वो किसी कंक्लूजन पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचते कि हाँ राल्फ पैटर्न ने मर्डर किया या इसने मर्डर किया है, वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से डिटेक्ट करते हैं, क्या क्या माइंड में आता है उनके कि जो 40 पाउंड्स की चोरी हुई है वो किसने की है, साथ ही साथ वो मिस्टीरियस मैन कौन था, उर्सीना बॉर्नी जो थी उसको क्यों निकाला होगा, या वो खुद गई है या उसी ने तो मर्डर नहीं किया है या उसी ने तो कोई प्लानिंग नहीं किया, तो इस तरीके के माइंड्स में उसके थॉट आते हैं पायरेट के। सो गाइस कैरोलिन जो है वो डॉक्टर शेपर्ड की सिस्टर है एज आई टोल्ड यू, सो कैरोलिन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ हर ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो गाइस देखो जो कैरोलिन शेपर्ड है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो उसकी पावर है ना ऑब्जर्व करने की दैट इज वेरी ग्रेट, वो बहुत सही ऑब्जर्व करती है चीजों को, तो इसीलिए वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड हो जाती है। सो गाइस कैरोलिन एड्स फ्यूल टू राल्फ पैटर्न फायर बिकॉज शी ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन विच सजेस्ट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग रीजन वांटिंग हिज स्टेप फादर डेड। सो गाइस देखो जो कैरोलिन शेपर्ड है ये राल्फ पैटर्न के केस में और आग लगाने का काम कर देती है, मतलब वो इस तरीके की बातें बोल देते हैं कि राल्फ पैटर्न पर शक और बढ़ जाए, क्योंकि उसने कॉन्वर्जेशन सुनी, मतलब र्यूमर फैल रहे थे विलेज में, ऑब्वियसली कहीं मर्डर होगा तो 10 लोग हैं तो 10 तरीके की बातें बोलेंगे, तो इसी तरीके से किंग्स अबॉट विलेज में भी हो रहा था, लोग बातें कर रहे थे और इसी तरीके की कॉन्वर्जेशन सुन लेती है कैरोलिन शेपर्ड और वो बताती है कि हाँ पक्का जो ये मर्डर है ना ये राल्फ पैटर्न ने किया है, क्योंकि उसने कॉन्वर्जेशन सुनी है जिससे ऐसा लगता है कि उसके पास एक स्ट्रांग रीजन था, राल्फ पैटर्न के पास एक स्ट्रांग रीजन था अपने पापा को मारने का, अपने स्टेप फादर को मारने का। सो गाइस देखो कैरोलिन इज वेरी काइंड, सो गाइस देखो जो कैरोलिन है वो सच में बहुत काइंड है, हेल्प्स पायरेट टू फाइंड आउट उर्सीना बॉर्नी दैट शी ऑलरेडी मैरिड टू राल्फ, शी रिवील्ड दिस टू एक्रॉयड फ्यूरियस आस्क्ड हर टू लिव। सो गाइस कैरोलिन शेपर्ड वैसे तो बहुत काइंड है, लेकिन वो क्या कॉन्वर्जेशन सुनती है जिससे उसे लगता है कि हाँ ये मर्डर पक्का राल्फ पैटर्न ने किया है, वो पायरेट को बताती है कि जो उर्सीना बॉर्नी है उसने शादी कर ली है राल्फ पैटर्न से, और राल्फ पैटर्न भी उर्सीना बॉर्नी से प्यार करता है, तो राल्फ और उर्सीना ने एक दूसरे से शादी कर ली है और इसी बारे में उर्सीना बॉर्नी ने बताया था रॉजर एक्रॉयड को, जिससे गुस्सा हो गए रॉजर एक्रॉयड और उसने उर्सीना बॉर्नी को काम से निकाल दिया। तो गाइस इसका मतलब कैरोलिन शेपर्ड ने गांव में कॉन्वर्सेशन सुनी और उस कॉन्वर्सेशन में लोग बात कर रहे थे कि उर्सीना बॉर्नी और राल्फ पैटर्न एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे से शादी कर ली, और इस बारे में उर्सीना बॉर्नी ने बताया रॉजर एक्रॉयड को, रॉजर एक्रॉयड को इस बात से बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उसने बोल दिया उर्सीना बॉर्नी को कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे घर का काम छोड़कर चली जाओ। सो गाइस इस तरीके के र्यूमर्स फैल रहे थे, एंड गाइज एज द ट्रूथ emerges, इट बिकम्स क्लियर दैट राल्फ एंड फ्लोरा हैड ओनली agreed टू their engagement बिकॉज दे वर बोथ इन नीड ऑफ मनी। सो गाइज देखो जैसे जैसे सच सामने आ रहा था एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ये राल्फ पैटर्न और फ्लोरा एक्रॉयड थे इन्होंने एंगेजमेंट सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि इन दोनों को ही पैसों की जरूरत थी, बोथ ऑफ देम आर इन नीड ऑफ मनी, दोनों को ही पैसों की जरूरत थी और इसीलिए दोनों एंगेजमेंट के लिए अग्री करते हैं। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि इन दोनों ने एंगेजमेंट क्यों की थी, एंड कीपिंग एक्रॉयड हैप्पी टू सपोर्ट देम, और साथ ही साथ इन्होंने इसीलिए भी एंगेजमेंट की क्योंकि इन्हें पैसों की जरूरत थी, और साथ ही साथ अगर ये ऐसा करेंगे तो एक्रॉयड इससे बहुत खुश होंगे और सारा पैसा इन्हें मिल जाएगा। एंड गाइस जो राल्फ पैटर्न होता है ना ही थिंक्स दैट ही विल ब्रेक द एंगेजमेंट लेटर, वो सोचता है कि अभी के लिए एंगेजमेंट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है और फ्लोरा को भी पैसों की जरूरत है, अभी के लिए एंगेजमेंट कर लेता हूँ, बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर एक्रॉयड सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑफ हिज एंगेजमेंट विद फ्लोरा। राल्फ पैटर्न को नहीं पता था कि एक्रॉयड इस तरीके से अचानक से सरप्राइज दे देंगे उन्हें कि वो उनके एंगेजमेंट करा रहे हैं फ्लोरा से, वो दोनों सीक्रेटली मतलब एक्रॉयड से बोलते हैं कि हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे और उन्हें पैसों की थोड़ी बहुत जरूरत भी होती है वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, ना फ्लोरा को पता था ना राल्फ को पता था कि एक्रॉयड अचानक से सरप्राइजिंगली उन दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे। सो गाइज एज द केस प्रोग्रेसेस केस आगे बढ़ता गया वॉइस हर्ड इन एक्रॉयड्स रूम फ्लोरा इज सस्पेक्टेड बिकॉज शी केम अराउंड दैट टाइम बट सून इट बिकम्स क्लियर दैट वो वहां पर आई थी 40 पाउंड्स चुराने के लिए। सो गाइस देखो केस जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है एविडेंसेस सामने आते हैं, एक्रॉयड के रूम में एक आवाज होती है मर्डर के टाइम पर ही, जिस टाइम पर मर्डर होता है उस टाइम के आसपास ही एक आवाज होती है और फ्लोरा सस्पेक्ट होती है, फ्लोरा पर शक जाता है और फ्लोरा ये चीज बता देती है कि हाँ वो वहां पर जाती है बट मर्डर करने के लिए वो नहीं जाती है, वो वहां पर जाती है पैसों के लिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। सो गाइस पायरेट्स सीम्स टू बी शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन विद डॉक्टर शेपर्ड, ही केप्ट अ फ्यू सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ एंड डॉक्टर शेपर्ड हिमसेल्फ हैड बीन कीपिंग प्लेंटी ऑफ सीक्रेट्स ऑफ विच पायरेट ग्रेजुअली बिकम्स अवेयर। सो गाइस देखो जो ये
डॉक्टर शेपर्ड है, ये हरकुल पायरेट का असिस्टेंट है इस डिटेक्टिव केस में, इस मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में ये हरकुल पायरेट का असिस्टेंट बना हुआ है शेपर्ड। हरकुल पायरेट जो है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इस केस को रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन वो कुछ सीक्रेट्स, कुछ बातें छुपा कर रखता है डॉक्टर शेपर्ड से। और डॉक्टर शेपर्ड तो हरकुल पायरेट का असिस्टेंट है, उसे तो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, बट वो भी कुछ सीक्रेट्स रखता है, वो भी सारी बातें नहीं बताता है हरकुल पायरेट को, जिनके बारे में ऑलरेडी हरकुल पायरेट को पता होता है, बट शेपर्ड थिंक्स कि हरकुल पायरेट को इन बारे में नहीं पता है। सो गाइस देखो, जो डॉक्टर शेपर्ड है ही हिमसेल्फ वाज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आल्सो एंड हैड बीन ब्लैकमेलिंग मिसेस फरार्स हुम ही न्यू हैड मर्डर्ड हर हस्बैंड। सो गाइस देखो, जो डॉक्टर शेपर्ड है ना, वो खुद भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में होते हैं और वही मिसेस फरार्स को ब्लैकमेल करते हैं। क्या कहकर वो ब्लैकमेल करते हैं कि शेपर्ड को पता है मिसेस फरार्स ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया और वो ये बात सबको बता देंगे। इस तरीके से वो मिसेस फरार्स को ब्लैकमेल करते हैं और इस कारण जो मिसेस फरार्स थी वो सुसाइड कर लेती हैं। सो गाइज, व्हेन ही रियलाइज दैट मिसेस फरार्स हैड रिटर्न टू रोजर एक्रॉयड जस्ट बिफोर शी डाइड टू शेयर द नेम ऑफ हर ब्लैकमेलर हैड मर्डर्ड हिम बिफोर ही रिटर्न होम आफ्टर डिनर। सो गाइस, पता लग गया किसने किया मर्डर। अभी तक हम लोग शक भी नहीं कर सकते थे, जब मतलब आप पूरी नॉवल पढ़ोगे ना, देन आपको शक ही नहीं होगा कि हाँ डॉक्टर शेपर्ड ने ये मर्डर किया होगा। वो हर जगह पर मतलब हरक्यूल पायरेट के साथ जाता है, हर चीज़ डिटेक्ट करवाता है, दूसरों पर शक बनवाता है कि हाँ इसने मर्डर किया होगा, इसने मर्डर किया होगा। बट लास्ट में जाकर ये चीज़ हमें पता लग जाती है कि जो डॉक्टर शेपर्ड था वो मिसेस फरार्स को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे पता है तुमने अपने हस्बैंड का मर्डर किया और इस बारे में मैं बता दूंगा सबको। सो इस चीज़ से मिसेस फरार्स बहुत परेशान हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड करने से पहले लिखती हैं वो एक लेटर, और इस लेटर को वो लिखती है रॉजर एक्रॉयड के लिए, जिसमें वो बताती है उस ब्लैकमेलर का नाम। सो जब डॉक्टर शेपर्ड जाता है उस एंगेजमेंट वाले ओकेजन पर, तो एक्रॉयड बताता है कि हाँ मिसेस फरार्स को कोई ब्लैकमेल कर रहा था और इस लेटर में उस बंदे का नाम है जो ब्लैकमेल कर रहा था। तो शेपर्ड डर जाता है, उसे लगता है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, तो इसीलिए वो क्या करता है ना, डिनर करने के बाद जब घर आता है उससे पहले वो मर्डर कर देता है रॉजर एक्रॉयड का। रॉजर एक्रॉयड को मार देता है और बहुत दिमाग से वो मर्डर करता है, मतलब वो मेन गेट से ना जाकर पर्दों के पीछे से, विंडो से, मतलब नॉवल जब पढ़ेंगे ना, अगर मैं एक्ट वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, चैप्टर वाइज या एक्ट वाइज जिस तरीके से भी है नॉवल, अगर उस तरीके से मैं क्लियर करूंगी तो मैं आप लोगों को ये सीन जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से वो मर्डर करता है। मतलब वो कोई एविडेंस छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन फिर भी चोर कितनी भी कोशिश कर ले कोई ना कोई सबूत तो वो छोड़ ही देता है। तो हमें लास्ट में पता लग जाता है कि जो मर्डर है वो किसने किया है, डॉक्टर शेपर्ड ने किया। एंड गाइज, व्हेन ही वाज अलोन पायरेट आस्क्ड द मर्डरर टू रिवील द ट्रूथ। सो गाइज देखो, जब पायरेट के साथ अकेला होता है ना जेम्स शेपर्ड, तो जेम्स शेपर्ड को बोलता है पायरेट कि तुम मुझे सच बता दो, जस्ट रिवील द ट्रूथ। और उसके बाद जो डॉक्टर शेपर्ड होता है वो सब कुछ रिवील कर देता है। एंड गाइज, हरक्यूल पायरेट गिव्स हिम अ चॉइस टू गो टू पुलिस और कमिट सुसाइड फॉर द सेक ऑफ हिज सिस्टर कैरोलिन। डॉक्टर शेपर्ड चूजेस द लेटर ऑप्शन एंड राइट द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक विच सर्व्स एज बोथ एन एपिलॉग एंड हिज कन्फेशन। सो गाइज, जब ये डॉक्टर जेम्स शेपर्ड अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया, मर्डर किया, जब वो रिवील करता है ये चीज़ें पायरेट को, तो पायरेट उसे दो चॉइस देता है कि या तो तुम जाओ पुलिस के पास या फिर तुम कर लो सुसाइड, बिकॉज अगर तुम सुसाइड करोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि तुमने ये मर्डर किया था, और साथ ही साथ तुम्हारी एक बहन भी है कैरोलिन, जिसका भी मतलब फ्यूचर खराब हो सकता है, कोई सोचेगा अच्छा इसका भाई तो मर्डरर है। सो इस कारण जो डॉक्टर शेपर्ड होता है वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है, वो सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने से पहले वो इस नॉवल का फाइनल चैप्टर लिखता है जो कि एक एपिलॉग की तरह भी है और कन्फेशन भी है। सो गाइज, इस तरीके से ये नॉवल एंड होती है। मतलब देखो, डॉक्टर शेपर्ड जो है वो एक डॉक्टर था और हर चीज को कितनी मासूमियत से पेश करता है, हरक्यूल पायरेट के सामने भी, और जब डिटेक्ट करवाता है तब भी मतलब कोई उस पर शक ही ना कर पाए, बट एट लास्ट जो हरक्यूल पायरेट है, आखिर वो डिटेक्टिव है, फेमस बेल्जियन डिटेक्टिव है, रिटायर्ड है, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो पहचान लेते हैं कि मर्डर और कोई नहीं बल्कि जेम्स शेपर्ड ही है। सो इस तरीके से ये नॉवल एंड होती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो गाइस देखो, थीम्स क्या है, द डेंजर ऑफ सीक्रेट्स। ऑब्वियसली यहाँ पर जो जेम्स शेपर्ड है वो भी सीक्रेट्स छुपा कर रखते हैं, और हरक्यूल पायरेट तो डिटेक्टिव है, वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते, तो वो भी कुछ सीक्रेट्स रखते हैं, तो यहाँ पर डेंजर ऑफ सीक्रेट की थीम तो है ही। देन मर्डर ऑफ मैनर्स, मर्डर बहुत तमीज से किया भाई, मर्डर ऑफ मैनर्स तो हम इसे कहेंगे कि मतलब किस तरीके से मिस्टीरियस मर्डर किया उसने। एंड देन डिटेक्शन एंड इंटेलेक्ट, इसमें तो हमारे हरक्यूल पायरेट ही आएंगे, ही सच अ वंडरफुल डिटेक्टिव कि उन्होंने इस तरीके की मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व कर लिया, जिसको मतलब बहुत मुश्किल था रिजॉल्व करना, सो उन्हें हम इंटेलेक्चुअल भी कह ही सकते हैं। एंड गॉसिप एंड स्मॉल टाउन लाइफ, गॉसिप तो भाई चलती ही है टाउन लाइफ में, जो छोटे टाउन्स के लोग हो चाहे बड़े टाउन के लोग हो, मतलब लोग गॉसिप करना कभी नहीं छोड़ेंगे, गॉसिप्स तो चलती रहती हैं, तो किस तरीके से जो गॉसिप्स थी उन्होंने भी मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। सो गाइज, दीज आर दी थीम्स। एंड सिंबल्स इसका है द वेडिंग रिंग, पैटर्न एंड उर्सिला। यस देखो, वेडिंग रिंग जो राल्फ पैटर्न और उर्सिला थे, मतलब
इन्होंने एक सिंबलाइज की थी, इनकी एक वेडिंग रिंग थी, सो ये वेडिंग रिंग इन दोनों की ही थी, सो ये सिंबलाइज कर रही थी कि इन दोनों ने शादी कर ली थी. देन वेजिटेबल मैरोज, वेजिटेबल मैरोज क्या सिंबलाइज कर रही है? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हरक्यूल पायरेट, कि वो पहले डिटेक्टिव थे, अब वो इन वेजिटेबल मैरोज में काम कर 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 बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. सो गाइस, ये जो नॉवल है अ मर्डर ऑफ रॉजर एकरॉयड, ये इस तरीके से ख़त्म होती है. एंड आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ. अगर आप चाहते हैं कि अब हम किसी और नॉवल के बारे में डिस्कस करें, या कोई टॉपिक है, या कोई बैकग्राउंड रीडिंग है, देन यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. और अगर आपके कोई डाउट्स भी है तो वो भी आप लोगों से कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ यू कैन कॉन्टैक्ट मैन इंस्टाग्राम एंड ईदर ऑन माई फेसबुक पेज, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज, आई होप आप लोगों को जो ये नॉवल थी अ मर्डर ऑफ रॉजर एकरॉयड, ये क्लियर हो गई होगी. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. एंड गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.